भैया आज का जिम तो हो गया है और बस अभी आए हैं घर। अभी बज रहे हैं 10:30 और अब बस नहाऊंगा वहाऊंगा, फिर उसके बाद नाश्ता करता हूँ और फिर फ़ोटोज़ आज कैसे भी करके निपटानी है क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा। और एक एल्बम उठाने भी जाना था, प्रिंट पे दिया हुआ था, पाइथन का क्या होगा, तो ये कुछ काम है। और शायद से पापा के साथ भी एक जगह जाना है तो ये करेंगे, बट उससे पहले अपन जाके ज़रा अपनी मछलियों को खाना दे दें, कल से भूखी होंगी बेचारी। मैं वैसे सुबह ही खाना देता हूँ उनको, एक टाइम ही देता हूँ, दो बार तो दे सकते हैं वैसे, ऐसा कुछ वो नहीं है। और हाँ, कल का ब्लॉग भी एडिट करना है तो उसमें भी टाइम लगेगा, काफ़ी नहीं मतलब कितना टाइम लगेगा, 1-2 घंटे तो लग ही जाएंगे, तो वो भी निकलना है अपने को। आई थिंक कितने 20-25 दिन पहले इसका पानी चेंज किया था, इसका अब बाप रे बोला भी नहीं जा रहा है, इसका पानी भी चेंज करना है, बट अभी नहीं करूँगा, थोड़ा सा 1-2 दिन बाद करूँगा क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि ये पूरा धोना भी पड़ेगा, तो करेंगे बाद में। तो भैया जा रहे हैं थोड़ा पापा के साथ काम से, फिर आते हैं, फिर बैठते हैं एडिटिंग पे, जब तक काम निपटा देते हैं। तो भैया सुबह 12 बजे का निकला था, अभी बज गए हैं 7:30। गए थे पापा के साथ एक जगह, थोड़ा रजिस्ट्री का काम था तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और वो काम भी पूरा नहीं हुआ है क्योंकि सरकारी काम ऐसे ही रहते हैं। रजिस्ट्री तो वैसे हो गई थी बट कुछ पेपर्स में साइन होना था ऑनलाइन, तो सर्वर ही डाउन हो गया और काम नहीं हो पाया, तो बस बैठ के वहाँ पे वेट कर रहे थे कि सर्वर शायद से वापस ठीक हो जाए तो काम हो जाए अपना, बट हुआ नहीं। तो कल का टाइम दिया है 11 बजे का, तो कल फिर से जाना पड़ेगा और कल थोड़ा आउटर तक फिर से जाना है पापा के साथ और अपने ससुर जी के साथ एक जगह देखने, तो कल का दिन भी ऐसे निकल जाएगा। तो आज एडिटिंग निपटा लें, नहीं तो फिर परसों से शूट है तो फिर टाइम नहीं मिलेगा, पर अभी मैं फिर से एडिटिंग में नहीं बैठ सकता क्योंकि अभी जाना है मुझे एल्बम उठाने, एल्बम फाइनली आ चुका है, कल भी नहीं आया था अभी आ गया है, तो अब आज उठा के मैं आज डिलीवर कर दूं क्योंकि मैं कल नहीं दे पाऊँगा। तो पहले चाय पी लें, चाय पीने के बाद जाएंगे। तो भैया अभी सीन ये है कि दुकान बंद होनी 8 बजे और 8 बजने में अभी बाकी हैं 5 मिनट, तो मैंने भैया को बोला भैया थोड़ा 10-15 मिनट के लिए एक्स्ट्रा खोल के रखना, मैं आ रहा हूँ, और एक तो मेरे पैर काम कर नहीं रहे हैं जब से लेग्स की एक्सरसाइज करी है, पता नहीं रिकवरी में कितना टाइम लगेगा, तो अब जा रहा हूँ एल्बम उठा लूँ और उसके बाद आता हूँ। भाई करो फोकस भाई, क्या दिक्कत है तुम्हें। तो भैया एल्बम उठा लिया है, साला UPI नहीं चल रहा था, कैश भी मेरे पास ज़्यादा पड़ा नहीं था तो जितना था उतना तो दे दिया है, बाकी अब मैं घर जाके UPI ट्राई करूँगा, जब भी ज़रूरत होती है साला ये UPI चलता नहीं है। तो भैया अपने गलत टाइम पे लेग्स की एक्सरसाइज कर ली क्योंकि अभी कल परसों से शूट है और अभी भी काफ़ी पेन है, और अगर ये ठीक नहीं हुआ तो फिर
शूट करने में काफ़ी दिक्कत होगी, तो अब देखना पड़ेगा, वॉलनी वॉलनी लगानी पड़ेगी। अभी जा रहे वापस जिम, और वापस आके जाना है जहाँ कल बताया था, तो अभी चलते हैं। आज थोड़े जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि जल्दी आके पहले रजिस्ट्रार ऑफिस भी जाना है, वहाँ पे काम करवाना है, फिर उसके बाद वहाँ से निकलेंगे। तो चलते हैं अभी। तो हजरात, सीन ये है कि जिम से आने के बाद मैंने बैठ के अभी ये ब्लॉग एडिट किया है, और काफ़ी टाइम लग गया। कल आधा कर दिया था, आधा अभी किया है, तो अब बस रेंडर हो रहा है। तो अभी मुझे जाना भी है रजिस्ट्रार ऑफिस, फिर उसके बाद मुझे थोड़ा सिटी के बाहर तक भी जाना है, तो उसको अभी अपलोड तो नहीं करेंगे, शाम को आगे करेंगे। अभी जाके पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर निकलेंगे, नहीं तो फिर लेट भी हो जाएगा, और आज वो रजिस्ट्री वाला काम निपटाना भी है, नहीं तो पता चला फिर से सर्वर डाउन हो गया, सरकारी काम। तो भैया फोकस। तो भैया अभी रेंडर होने में तो टाइम लग रहा है, तो ये रेंडर होता रहेगा, अपन चलते हैं, लेट नहीं करते हैं, 12 तो यहीं बच गया है, और जाके काम निपटा के और जहाँ जा रहे हैं वहाँ से होके आते हैं शाम को। और बीच में अगर कुछ अच्छा मिला तो सिनेमैटिक सीक्वेंस तो आप फिर देख ही लेंगे। तो भैया अभी अपन आए हैं लोकेशन नंबर 1, और अभी इन लोग देख रहे हैं अंदर ज़मीन। और भाई रास्ते में जो फॉरेस्ट पड़ा है ना, एकदम इतना डेंस, मैंने शायद जो मेन जंगल होता है वहाँ पे भी इतना डेंस नहीं देखा होगा, इतने बड़े बड़े सागुन के पेड़। और अभी इस लोकेशन के पास जाएंगे हम दूसरी लोकेशन, वहाँ पे भी हमें देखना है। और रास्ते में बहुत पानी भी मिला था, और अब यहाँ पे भी बारिश चालू हो रही है। अच्छा है कि मौसम वगैरह गर्म नहीं है, बारिश है, नहीं तो भाई हालत ख़राब हो जाती वैसी गर्मी से। अब इन लोग देख लें, जब तक अपन थोड़ा खेल लेते हैं सिनेमैटिक सीक्वेंस से। जूते पहन के आ गए भैया, अपन चप्पल में आना था। पानी गिर रहा है, ज़्यादा तेज़ तो नहीं है बट थोड़ा सा तेज़ है, तो इसलिए अपन ने कैमरा रख दिया है। वापस से अपन आईफोन में आ गए हैं, और अपन जा रहे हैं अब तीसरी लोकेशन पे। अरे बाप रे, तो साला लहटे के पास चलते भी नहीं पड़ रहा है, अलग मुसीबत है साली। We'll be right back.
तो भैया अभी बज गए रात के 8:30 बज गए। बाप रे, मुझे तो लग रहा था 7:30 बज रहा होगा, बट काफ़ी लेट हो गया। सुबह 12:30 के निकले थे और बहुत टाइम लग गया, काफ़ी सारी जगहें देखनी थी। फिर एक दो जगह और गए थे, फिर बीच में थोड़ा जंगल घूमने चले गए, पास में जंगल था तो काफ़ी टाइम लग गया। और अब हिम्मत बची नहीं है अब ज़्यादा कुछ व्लॉग करने की, तो अब मैं जाऊँगा। तो सुबह व्लॉग रेंडर में लगा के गया था, उसको अपलोड करूँगा और बस अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट किसी दूसरे व्लॉग में। खुदा हाफिज़। जूता, कपड़ा, बैग सब गंदा हो चुका है, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश थी भाई।